दोस्तों अगर आप मैट्रिक पास हैं और गवर्नमेंट जॉब की तलाश है तो ये आपकी तलाश पूरी हो सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि एसएससी के द्वारा एमटीएस की पोस्ट निकली है बम्पर वैकेंसी। इसके अंदर एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आप सिर्फ 10वीं पास हैं, कितने भी परसेंटेज आपके 10वीं के अंदर हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस होता है मल्टी टास्क सर्विस, यानी कि आपको ये गवर्नमेंट ऑफिस होता है जो मिनिस्ट्री की ऑफिस हैं उनके अंदर पोस्टें निकलेंगी, तो इसके लिए एमटीएस होता है मल्टी टास्क सर्विस, यानी कि आपको कोई भी काम दिया जा सकता है ऑफिस से संबंधित, जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन का या कोई रजिस्टर मेंटेनेंस करने का या एक डाक है इस ऑफिस से लेके दूसरी ऑफिस में देने का, यानी कि आपको लगभग एक ही फ्लोर के नीचे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो फीस है वो है 100 रुपये। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। और दोस्तों जो इसका फॉर्म भरने का डेट है वो है 14 जून, 14 जून से ये फॉर्म भरे जाएंगे और 14 जुलाई है इसका लास्ट डेट, यानी कि 30 दिन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो बैंक के अंदर पैसा जमा करने का आपका जो 100 रुपये फीस है वो लास्ट है 14 जुलाई तक, और पहले इसका होगा एग्जाम। एग्जाम का जो डेट है वो है टेंटेटिव लगभग सितंबर माह में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हो, हिंदुस्तान के रहने वाले हो, महिला पुरुष कोई भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर दो तरह की वैकेंसियाँ, एक एमटीएस और एक हवलदार। एज लिमिट दोनों का सेम ही है, यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं 2/8/1998 से लेके और 1/1/2005 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म होना चाहिए। 18 से 25 साल आपकी एज है तो आप एमटीएस या हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये है जो अभी मैं पोस्टें बता रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपको सर्विस करना पड़ेगा। दूसरा है 18 से 27 साल, वो है 2/8/1996 से लेके और 1/1/2005 के बीच में, इसमें है हवलदार CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंदर कुछ पोस्टें हैं एमटीएस की भी, तो इसके लिए आपको उसमें जॉब करना पड़ेगा। यानी कि दो तरह की एज लिमिट है, 18 से 27 साल और 18 से 25 साल। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कास्ट से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और आप एससी एसटी से हैं, अगर आपकी कास्ट एससी एसटी है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका एमटीएस में भी होगा और हवलदार में भी होगा। उसके बाद आएगा आपका फिजिकल, फिजिकल होगा सिर्फ हवलदार का। अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों का चेस्ट भी नापा जाएगा, आपका हाइट भी नापा जाएगा, आपका रनिंग भी होगा, यानी कि आपका पूरा फिजिकल होगा। लेकिन एमटीएस के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों का इसमें कोई भी हाइट, कोई भी चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, आप सिर्फ मैट्रिक पास होने चाहिए। उसके बाद आएगा DV, यानी कि डॉक्यूमेंट चेक, इसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट चेक होगा। इसके बाद आप लोगों का आता है रिटन टेस्ट। एमटीएस और हवलदार का दोनों का रिटन टेस्ट सेम होगा, दोनों का रिटन टेस्ट है वो बराबर होगा, और 45-45 मिनट के दो टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये होगा 20-20 नंबर के दो पार्ट होंगे इसमें, और एक सवाल होगा वो जो होगा उसके 3 नंबर होंगे, यानी कि 40 सवाल होंगे और 120 नंबर के होंगे, और इसके अंदर आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स। और जो दूसरा टेस्ट होगा आपका सीजन 2 में, उसमें होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के, यानी कि 150 नंबर के ये सवाल आएंगे, और इसके अंदर भी आपको 45 मिनट दिया। इसके अंदर जो हाइट मांगा गया है हवलदार के लिए वो है 157 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152, और जो रनिंग है वो है 1600 मीटर, जेंट्स के लिए है 15 मिनट और महिलाओं के लिए 20 मिनट। इसको तो कोई भी कर देगा। देखिए फिजिकल इसका बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, 1600 मीटर 20 मिनट में, 1600 मीटर 15 मिनट में, तो इसको तो कोई भी कर देगा सिर्फ मैट्रिक पास। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब एमटीएस के लिए। तो जो भाई सिर्फ मैट्रिक पास हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो एमटीएस की पोस्ट निकली है ये ऑल इंडिया के लिए, आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हैं, मेल हैं फीमेल हैं, इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 14 जून से लेके 14 जुलाई तक फॉर्म
ऑनलाइन भरे जाएंगे, 100 रुपये फीस है। एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो सितंबर में होगा। तो दोस्तों, मल्टीटास्क सर्विस के लिए सिर्फ मैट्रिक पास, फिजिकल बिल्कुल आसान है। आप इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हो। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब की तलाश है, सिर्फ मैट्रिक पास है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।